पे खुशी होगी ना। वैसे तेरे हस्बैंड क्या काम करते हैं? उनका सेल परचेज का काम है। सेल परचेज कारों की? ना ना, कारों की सेल परचेज में बचता ही क्या है। तो फिर प्रॉपर्टी की? नहीं मंजू, नहीं, उसमें तो आजकल वैसे ही बहुत मंदा है। तो फिर किस चीज की सेल परचेज करते हैं? क्या बेचते हैं, क्या खरीदते हैं? वो MLA खरीदने और बेचने का काम करते हैं। आप फिक्र ना करें जनाब, हमारे आदमी आप ही के काम गए हुए हैं। अब मुझे मालूम है आपका एडवांस आया हुआ है। देखिए ना, 35 MLA तो हम आपके खरीद चुके हैं। जैसे ही बाकी 5 MLA की सौदेबाजी पूरी होती है, हम आपको इतला करते हैं। ओह डोंट वरी सर, MLA खरीदना बेचना हमारा रोज का काम है। हाँ ना 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 ना, आप फिक्र ही ना करें। हाँ दुल्दू राम जी, जरा फोन शोन करके पता करो लेटेस्ट पोजीशन क्या। जैसे उनके 40 MLA पूरे होते हैं मुझे बताओ। ठीक है सर, मैं पता करके बताता हूँ। हाँ जनाब, हमारे काम का क्या हुआ? भोलानाथ जी, हमारे होते हुए आपको कैसी चिंता। हम आपको ऐसे MLA दिलवाएंगे कि आपकी सरकार कई घंटों तक कोई हिला नहीं पाएगा। सिर्फ कई घंटे? मेरा मतलब काफी देर तक चलेगी। खैर आप ये बताइए कि आपकी पार्टी को पार्लियामेंट में मेजोरिटी शो करने के लिए और कितने MLA कम पड़ते हैं? हमने इलेक्शंस में पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन फिर भी 3 MLA हार गए। तो क्या हो गया, हम किस लिए बैठे हैं, हम पूरे कर देंगे। वैसे भट्टी साहब, आजकल भाव क्या चल रहा है? भाव तो बहुत गर्म है जी, बड़ी तेजी है। अभी अभी इलेक्शन हो गए बैठे हैं, तो हर कोई पार्टी चाहती है कि हमारी सरकार बने। फिर भी 3 MLA कितने के पड़ जाएंगे? 3 MLA आपको पड़ जाएंगे जी, मल्टीप्लाइड बाय 3, 1.5 करोड़ प्लस हमारी कमीशन। 50-50 लाख में MLA? लेकिन भट्टी साहब, हमने तो अखबारों में पढ़ा है कि 20-20 लाख में MLA आम बिकते हैं। आम MLA तो हम आपको 10 लाख में दिलवा देते हैं, लेकिन ऐसे MLA लेके आपकी सरकार 10 मिनट से ज्यादा नहीं चल सकती। लेकिन जो MLA आप दिलवाएंगे उनकी क्या गारंटी है? उनकी पूरी 1 महीने की गारंटी है जी, और उसके बाद अगर आप उन्हें किसी कॉर्पोरेशन का चेयरमैन वगैरह बना दें तो वो आपके साथ पूरे 5 साल भी चल सकते हैं। वो तो ठीक है भट्टी साहब, लेकिन 1.5 करोड़ तो बहुत ज्यादा रकम है। एक बार आपकी सरकार बन गई, 1.5 करोड़ तो आपके एक झटके का काम है। नाखून की मैल है, नाखून की मैल। मेरी नहीं, मतलब आपकी। सो तो है। तो फिर आप सोच कह रहे हैं, जल्दी कीजिए ना। तो ठीक है भोलानाथ जी, फिर दीजिए पैसे।